इधर तराना में मकडॉन में किसानों के साथ फिर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां जिम्मेदार और शासन के नुमाइंदे बीजेपी सरकार की कब्र खोदने में लगे हैं। वहीं अन्नदाताओं ने धोखाधड़ी के मामले में मकडोना टीआई को आवेदन देकर किसान संगठन नेताओं ने 3 दिन की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में मकडोन पुलिस ने बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो बैंक और थाने का घेराव करेंगे। तराना के अध्यक्ष श्री शिवचरण शर्मा के द्वारा किसानों के साथ बैंक बीमा की राशि के साथ धोखाधड़ी के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। HDFC एग्रो इंश्योरेंस कंपनी भोपाल के FIR करने बाबत आवेदन प्राप्त हुआ है। इसकी जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या इसके उपरांत इन्होंने 1021 किसानों की बीमा राशि कुल राशि 1,81,60,558 रुपए धोखाधड़ी करना बताया। ये सर 2017 का जो हमारी रबी फसल थी, आलू की फसल जली थी, उसके लिए हमने जो HDFC बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया डाबला उर्दू से हमारी प्रीमियम ली थी, बीमा करा था। इस संदर्भ में हमारी फसल का बीमा दावा आपत्ति बता रहे हैं, हमारे पास पूरे सबूत है और ये HDFC का 420 मामला है, उसने 420 करके बोल दिया हमको, बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट आपका पहुंचा दिया है, दावा 1,022 किसान का 1,86,81,60,558 रुपए। ये पूर्णतः HDFC